So well, good afternoon class. This is our second lecture of quality. In the first lecture, we have covered two topics. पहले हमने बात करी थी कि quality का introduction की बात करी. Quality क्या होती है? It is nothing but customer satisfaction. और उसके बाद हमने second topic जो लिया था, वो लिया था dimensions of quality. उसमें हमने बताया आपको example के तौर पर अगर हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो हम quality के तौर पर as a customer क्या क्या डायमेंशंस को स्टडी करते हैं, उसी के हिसाब से हमने 8 डायमेंशंस आपको दी जो क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंडस्ट्री फॉलो करता है. नाउ टुडे आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट क्वालिटी मिसकंसेप्शंस. मिसकंसेप्शंस क्या होता है? जो हमारी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी गलत फहमी होती है कि क्वालिटी है तो सिर्फ ये है, तो उनको भी हम छोटा छोटा पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं. कि पहला मिसकंसेप्शन क्वालिटी के बारे में यह है कि यह सिर्फ एक इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी है, इंस्पेक्शन का टूल है, जबकि ऐसा नहीं है. क्वालिटी का मतलब है कि इंस्पेक्शन और एक्शन बोथ. क्वालिटी इज नॉट ओनली इंस्पेक्शन, रादर इट इज इंस्पेक्शन एंड एक्शन. इंस्पेक्शन में क्या करते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका आपने एग्जामिनेशन कर लिया, अगर वो आपके उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो आप कहते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या कहते हैं, ये खराब प्रोडक्ट है. वेदर इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट और इट विल बी अ बैड प्रोडक्ट. बट ऐसा नहीं है. क्वालिटी ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ एक इंस्पेक्शन करना है. क्वालिटी ये कहता है कि जहां पर आपका प्रोडक्ट बैड हुआ है वो भी आपको देखना है, उस पर क्या प्रॉपर एक्शन लिया जाए. तो दैट होल कंसेप्ट इज क्वालिटी. नेक्स्ट इज, अब हम जब भी बात करते हैं कि अगर क्वालिटी देनी है प्रोडक्ट में, सर्विसेज में क्वालिटी देनी है, तो हम लोग ये समझ कर चलते हैं कि अगर हम क्वालिटी किसी प्रोडक्ट में या सर्विस में दे रहे हैं तो इट विल रिक्वायर हाई कॉस्ट. लेकिन ये भी हमारा एक मिसकंसेप्शन है. अगर आप क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ये मालूम चलेगा कि आपको कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई. अब इसको आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनाया और क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना, बैड प्रोडक्ट बना, तो क्या हुआ, उसको बनाने की जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई वो वेस्ट हो गई. इसी तरह से अगर आपने अच्छे प्रोडक्ट बना दिए सारे और सारे मार्केट में निकल गए, कस्टमर सेटिस्फाई हो गए, तो आपकी सेल्स के थ्रू और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं मार्केट के अंदर जिनके थ्रू आपको वो रेवेन्यू मिल जाता है. तो ये हाई कॉस्ट रिक्वायर नहीं करता है, रादर इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस. तीसरा है कि इट इज कन्फाइंड टू प्रोडक्ट. कन्फाइंड मतलब कि सिर्फ आप ये देखते हैं. क्वालिटी का मतलब अभी तक जो हम समझते हैं कि जब एंड प्रोडक्ट आया है जिसको कस्टमर ने यूज कराया है, सिर्फ वहीं तक ही क्वालिटी सीमित है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे पॉसिबल है, जब हम उस प्रोडक्ट की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल कर लें तभी तो पॉसिबल है. यानी कि उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को लेकर आने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा. तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू प्रोडक्ट, रादर इट इज कन्फाइंड टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बोथ. अगर आप उस प्रोडक्ट के बनाने वाले प्रोसेसेस में भी क्वालिटी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. और भी एक बात आती है कि अगर इंडस्ट्री में हम जाकर देखें तो क्वालिटी सेक्शन अलग होते हैं, पूरे क्वालिटी सेक्शन बने हुए रहते हैं. तो लोग ये सोचते हैं कि क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम बात करें कि सिर्फ क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी क्वालिटी मेंटेन करना एक इंडस्ट्री के अंदर संभव नहीं है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक उस एम्प्लॉय की है जो उस प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो स्टार्टिंग का एम्प्लॉय हो बिल्कुल और बिल्कुल टॉप लेवल अथॉरिटी तक की बात करूं, तो सभी की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इंश्योर करना होता है कि हम अपने प्रोसेसेस में और एंड प्रोडक्ट तक लेके जा रहे हैं तो सब में क्वालिटी इन्वॉल्व हो. अगर एक इंडस्ट्री का कोई विजन और मिशन बना हुआ है कि हमें इस विजन से काम करना ही हमारा मिशन है, तो हर एक एम्प्लॉय के पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू अचीव द क्वालिटी प्रोडक्ट. तो ये चार मिसकंसेप्शन आपने समझ लिए कि हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं है खाली, इंस्पेक्शन के साथ एक्शन भी है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाया तो जो कॉस्ट में आपने इन्वॉल्व किया वो प्रोडक्ट खराब बना है उसकी भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है. तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएं ताकि हमारी कॉस्ट वेस्टेज ना हो. तीसरा मैंने क्या बताया, इट इज कन्फाइंड टू प्रोडक्ट, नहीं
इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रोडक्ट बट इट इज कन्फाइंड टू बोथ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. अगर आप ये सोचें कि एंड प्रोडक्ट से ही देखकर क्वालिटी जज कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको प्रोडक्ट के साथ साथ जो उसमें इन्वॉल्व प्रोसेसेस है उसको बनाने के लिए उसमें भी आपको क्वालिटी चेक्स करने पड़ेंगे. और लास्ट में अभी आपको क्या बताया, अभी क्या बताया लास्ट में, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी मैनेजर. हम ये सोचते हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट बना हुआ होगा और उसमें क्वालिटी मैनेजर असाइन हुआ इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी है. बट ऐसा नहीं होता. एक इंडस्ट्री के अंदर अगर लेवल एम्प्लॉय, हर एक लेवल पर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो क्वालिटी मेंटेन करें. उनको विजन और मिशन उस इंडस्ट्री का पता होना चाहिए, तभी जाकर हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस दे पाते हैं. अब ये हमारा एक चार्ट है जो हमने काफी फैक्टर्स को स्टडी किया और अपने इंडिया की रैंकिंग को हम देख रहे थे कंट्री की, हम कहां स्टैंड करते हैं. तो आउट ऑफ 53 कंट्रीज, अगर मैं एम्फेसिस करूं आपको इस पॉइंट पर कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, अगर इसकी बात करूं कि कितने सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर अगर किसी देश के पास है तो उसमें हमारी रैंकिंग आती है थर्ड. यानी हमारे पास इंजीनियर्स की और साइंटिस्ट की कमी नहीं है. आउट ऑफ 53 कंट्रीज वी स्टैंड एट पोजीशन थर्ड. लेकिन अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स, आप उस डिपार्टमेंट में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो, इसलिए मैं आपके साथ ये एग्जांपल शेयर कर रहा हूं. अगर हम क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स की बात करें तो हमारी रैंकिंग पहुंच जाती है 52. यानी कि सिर्फ एक ही कंट्री ऐसा होगा जो हमसे थोड़ी सी खराब इंजीनियर्स की क्वालिटी दे रहा होगा. तो आप इसका सिनेरियो को कोरिलेट कर रहे हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर किसके पास ज्यादा है तो हमारे पास बहुत है, लेकिन क्वालिटी इंजीनियर की बात करें तो हमारे पास नहीं है. यानी कि हम लोगों का भी एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, या कहीं ना कहीं हम उन चीजों पर एम्फेसिस नहीं कर रहे, उन पैरामीटर्स पर एम्फेसिस नहीं कर रहे जो एक अच्छी एजुकेशन या क्वालिटी इंजीनियर्स बनाने के लिए चाहिए. चाहे वो हमारी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज हो, चाहे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो एक स्टूडेंट का, एक इंजीनियर का, तो कहीं ना कहीं हम कहीं लैग कर रहे हैं. सिर्फ हमारा टारगेट क्या है, नंबर्स में जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जो बन रहे हैं वो क्वालिटी इंजीनियर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. तो ये चीज का एक सिनेरियो आज इंडियन मार्केट में है, जिसका डेटा भी हमने सर्वे में देखा. तो वी आर स्टैंडिंग एट पोजीशन थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बहुत सारे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वी आर जस्ट एट द लास्ट स्टेज. नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये क्वालिटी इवॉल्व हुआ कैसे है. तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मैं बता देता हूं. इन द इनिशियल स्टेज द क्वालिटी वॉज इवॉल्व ड्यूरिंग द स्टोन एज. स्टोन एज के दौरान क्वालिटी का टर्म पहली बार आया था. अब स्टोन एज में क्या किया करते थे लोग, अपना शिकार करने के लिए उस तरह के हथियार बना लेते थे, टूल्स बनाते थे. और जो भी हथियार सबसे अच्छा शिकार कर जाता था, जिसकी मदद से सबसे अच्छा शिकार हो जाता था, उस हथियार को मान लिया जाता था ये सबसे अच्छा क्वालिटी टूल है, उसे सबसे अच्छा बोलते थे. मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला कि आप जो सबसे अच्छा बोलते हैं दैट मींस योर क्वालिटी, आप क्वालिटी की बात कर रहे हो. वो सबसे अच्छा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उससे आप सेटिस्फाइड हो गए. भाई मैं शिकार करने गया, मैंने टूल बनाया और उस टूल ने बहुत बड़े शिकार कर दिया, तो मैं सेटिस्फाइड हो गया ना, है ना. तो क्या हुआ, स्टोन एज के दौरान ये क्वालिटी टर्म इवॉल्व हुआ. उस दौरान हमने ये माना कि जो हम टूल्स बनाते हैं और जो सबसे अच्छा हमें शिकार करके देगा वो कौन सा टूल होगा, क्वालिटी टूल होगा. नेक्स्ट स्टेज कम्स की 1900 और 1920 के बीच की मैं बात करूं तो क्या हुआ, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार हुई थी इस दौरान, तो हमारा क्या हुआ, इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल पीरियड का डेवलपमेंट हुआ. उससे पहले एक डेवलपमेंट और हुआ जिसमें हमने क्या करा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान हमने लेबर को स्पेशलाइजेशन दे दिया. अब ऐसा नहीं करा रैंडम कि कोई अगर टूल भी बना रहा है तो कोई भी कुछ भी बना रहा है, नहीं. हम लोगों को यह समझ आया कि अगर हमें बेटर रिजल्ट्स चाहिए और हमें इफेक्टिव आउटपुट चाहिए तो हमें काम को असाइन करना पड़ेगा, लेबर को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के अनुसार पार्ट्स में ब्रेक कर देना चाहिए. तो वो पीरियड था हमारा 1900 से लेकर 1920 तक का, जब है वर्ल्ड वार फर्स्ट की भी. उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा पीरियड में एनहांसमेंट हुआ, फिर ये चीज समझ आई कि ठीक है स्पेशलाइजेशन तो कर दिया लेकिन अब इन लोगों को देखेगा कौन कि काम अपना सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ये भी तो देखना जरूरी था कि
कि भाई आपने किसी को स्पेशलाइजेशन में भेज तो दिया लेकिन वो लोग सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो वहां पर क्या हुआ, एक इंस्पेक्टर को असाइन कर दिया गया। तो हर एक 10 बंदे के ऊपर, 10 पर्संस के ऊपर एक इंस्पेक्टर आ जाता था, जिसमें आया हमारा इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल पीरियड। लेकिन इससे भी काम नहीं चला। अब ये बात आई कि साहब एक इंस्पेक्टर को कौन देखेगा, तो 5-5 इंस्पेक्टर्स के ऊपर एक एक फोरमैन को अलॉट कर दिया जाता था। ये फोरमैन पीरियड तक की बात हो रही है। तो यहां तक का जो पीरियड था ये मर्जर था, और इसमें हमारा पीरियड कहलाया जाता था इंस्पेक्शन क्वालिटी कंट्रोल पीरियड। अभी तक हम किसी स्टैंडर्ड पे नहीं गए, हमने कोई स्टैंडर्ड से मैचिंग नहीं करी है। अभी जो हमारी इवोल्यूशन हुई है वो स्टोन एज से शुरू हुई, जो शिकार सबसे बढ़िया करता था वो स्टैंडर्ड टूल है, बस कोई स्टैंडर्ड नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वार हुई तो इस चीज की नीड जरूर हुई कि ऐसे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी काम करेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लोगों ने क्या करा, उनको डिविजन्स कर दिया, स्पेशलाइजेशन के अनुसार लेबर बना दी। फिर ये लगा कि अब इस लेबर को देखने के लिए लोग चाहिए, तो हर 10 बंदों के ऊपर क्या करा, एक इंस्पेक्टर अलॉट कर दिया। अब उन इंस्पेक्टर को देखने के लिए लोग चाहिए थे, तो हर एक इंस्पेक्टर, 5 इंस्पेक्टर्स के ऊपर एक फोरमैन अलॉट कर दिया। तो इस तरह से पीरियड्स चलते रहे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया क्वालिटी के अंदर, वो ये आया कि क्वालिटी गुरु थे वाटर ए शिवार्ड नाम से, उन्होंने आविष्कार किया कंट्रोल चार्ट्स का। किसका? कंट्रोल चार्ट्स का। वो कंट्रोल चार्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल थे जो ये स्टैटिस्टिकल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, 1940 to 1960, ये स्टैटिस्टिकल पीरियड जो दिख रहा है। इस दौरान हमें क्या मिला, कंट्रोल चार्ट्स। इसमें पता चलता था कि ठीक है ये लिमिट्स के बीच में आ रहा है प्रोडक्ट या नहीं आ रहा है। तो देयर आर डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर द प्रोडक्ट इज विद इन द लिमिट और नॉट। तभी हम देखते थे कि अगर ये प्रोडक्ट हमारी इस लिमिट में है, टॉलरेंस में है, तो हम उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते थे, और नहीं है तो बाहर कर देते थे। अगर मान लीजिए मुझे 5 mm का कोई प्रोडक्ट में चाहिए डायमेंशन, तो अगर 5.01 हो गया, दैट मींस आउट ऑफ द लिमिट हो गया, तो उस प्रोडक्ट को कंट्रोल चार्ट की हेल्प से स्टडी किया जाता था जो बनते थे, और उसको फिर बाहर कर दिया जाता था। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल कंट्रोल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसी में देख रहे हैं हम। इसमें क्या हुआ, फिर और एनहेंसमेंट हो गया। अभी तक हमने क्या कहा, एंड प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन के आ गया उसकी डायमेंशन चेक करी, किसकी हेल्प से करी, कंट्रोल चार्ट से। और क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट आपका एक्सेप्टेबल रेंज में है, डायमेंशन ठीक है, तो आपने यस कर दिया, नहीं तो बाहर कर दिया। लेकिन सवाल आया कि अगर ऐसा करेंगे तो भी तो वेस्टेज हो रहा है, जो प्रोडक्ट बाहर चला गया उसको कैसे देखेंगे। फिर इसमें अरेंजमेंट हुआ और टूल्स निकल कर आए, काइजेंस की टेक्नोलॉजी निकल के आई, क्वालिटी सर्किल्स का आविष्कार हुआ, और जो क्वालिटी कंट्रोल पीरियड था वो भी प्रोसेस कंट्रोल हो गया। क्या हो गया, प्रोसेस कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर ये देखना शुरू कर दिया लोगों ने कि कस्टमर से बात करो, उनको क्या चाहिए, किससे बात करो, कस्टमर से बात करो। अगर आपने कस्टमर का फीडबैक लेना इन्वॉल्व कर दिया, दैट मीन्स चांसेस कम हो गए जो एंड प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो खराब बन गया है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज किसको करना है, कस्टमर को। तो इस दौरान जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पीरियड था, जब कंट्रोल चार्ट्स बने, तो काइजेन ने और क्वालिटी सर्किल्स की डेवलपमेंट करने के बाद इस तरह से हमारा पीरियड जो है वो क्वालिटी कंट्रोल से प्रोसेस कंट्रोल की तरफ बढ़ता चला गया। इसको हमने बोला टोटल क्वालिटी कंट्रोल। क्या बोला, टोटल क्वालिटी कंट्रोल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव हो गई। अब हमने पहले समझदारी दिखाना शुरू कर दिया, हम प्रोडक्ट बनने के बाद नहीं देख रहे, हमने फीडबैक्स के माध्यम से ये इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, खराब नहीं आए। लेटर अब जो हमारा दौर चल रहा है, जो आज की दौर की बात करते हैं, वो चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब इसमें क्या हुआ, सपोज करो कि हमने ये तो चेक कर लिया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट साहब ये आ रही है, लेकिन जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा था उसमें जो मशीन्स है मेरी, वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगी, तो क्या करूंगा मैं मशीन्स का, क्या ऑप्शन बनता है, उनको रिप्लेस कर दूं, उनको रिप्लेस कर दूं, या उनमें कोई मॉडिफिकेशंस कर लूं। अब मैं अथॉरिटी नहीं हूं, मैं उन मशीन्स को चेंज करना या रिप्लेस करने का अथॉरिटी तो नहीं हूं। जहां मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं, मैं तो सजेस्ट कर सकता हूं। तो लोगों ने क्या करा, फिर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर लिया। किसको इन्वॉल्व कर लिया, पूरा मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है,
उनसे हेल्प ये ली गई कि अगर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस मशीन में एक प्रॉब्लम है, तो हमें इसका क्या मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा, मॉडिफिकेशन मिलेंगी, क्या मैनेजमेंट एक्टिविटीज हमें मिलेंगी, ठीक है, या शिफ्टिंग भी हो सकती है प्रोसेस में, कोई प्रोसेस हमें पहले करना था, कोई प्रोसेस साइमल्टेनियस करना था, तो ये सारी एक्टिविटीज को दिमाग लगाने के लिए हमने क्या करा, मैनेजमेंट और इन्वॉल्व कर लिया। तो आज जिस पीरियड में हम बात करते हैं वो कौन सा पीरियड है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कौन सा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इंक्लूड्स एवरीथिंग, क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, प्रोसेस का कंट्रोल भी होता है, मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है, अगर कोई आपको रेक्टिफिकेशन या आपको कोई चेंजेस चाहिए, कोई रिप्लेसमेंट चाहिए मशीन का, तो तुरंत आपकी वो चीजें बदल भी जाती है, तभी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। आज कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर बहुत डिमांडिंग है, आज जो चीज आप यूज कर रहे हो पता नहीं कि 6 महीने बाद उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे। कभी किसी ने मोबाइल यूज करते हुए सोचा था कि बार फोन से हटकर स्क्रीन वाला साइज का फोन, ये TFTs पे आप आ जाओगे, टच स्क्रीन पे आ जाओगे, नहीं सोचा था, क्या सोचा था, नहीं सोचा था, चेंज होते गए, अब टच स्क्रीन आ गया, फिर टच स्क्रीन मोबाइल यूज होने लग गए, तो कभी किसी ने सोचा था कि चार्जर के अलावा भी पावर बैंक की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं सोचा था, है ना। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदलती जा रही है, एडवांसेस होते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते जा रहे हैं, हार्डवेयर अपग्रेड होते जा रहे हैं। कभी पहले कितने बड़े बड़े फोन आते थे, आज बहुत छोटे फोन आते हैं ना, तो चीजें बहुत रिड्यूस हो गई हैं। और पहले जो फोन आते थे उसमें आज वो फैसिलिटीज नहीं थी कि जो कंप्यूटर की फैसिलिटी हो, आज आप पूरा ऑफिस चला सकते हो अपने फोन से, है ना, यू कैन डू सो मैनी थिंग्स, यू कैन हैंडल सो मैनी थिंग्स। पहले कैमरे के लिए एक अलग से कैमरा ही आता था, अब मोबाइल आपको इतने अच्छे कैमरे देने लग गया है कि सारी फैसिलिटीज आप कैमरे से निकाल दोगे। So this is a change in the technology. Same is the case with bikes. अगर ऑटोमोबाइल में चले जाओ, कार में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में देख लो कि आप चेंज देखोगे कि बहुत ड्रेस्टिक चेंज कुछ ही साल में। अब हमें नहीं पता कि जो मोबाइल आज बन रहे हैं या जितनी स्पेस की आज रिक्वायरमेंट है, पहले 1 GB रैम बहुत हुआ करता था, पहले 1 GB डेटा तो पूरे महीने के लिए हुआ करता था, है ना, और अब 1 दिन के लिए होता है, और वो भी कंज्यूम हो जाता है, वो भी कम पड़ जाता है, अब 2 GB डेटा मिल रहा है, कहीं 3 GB की भी रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू विल सी, और ये मार्केट में चेंजेस आते हैं, तो इसके लिए इंडस्ट्री को क्या रहना है, तैयार रहना है। अब ऐसा नहीं है कि उसने जो बना दिया प्रोडक्ट वही रखी जाएगी, तो फिर पब्लिक खरीदेगी नहीं, अगर 1 GB रैम की मोबाइल की कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, और अगर सैमसंग वही बना रहा है तो सैमसंग मार्केट में नहीं रह सकता, आज रिक्वायरमेंट है 4 GB 6 GB की इंटरनल मेमोरी की, और 128 GB तक एक्सपेंडर कम से कम होना चाहिए, 256 हो तो और भी ठीक है, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट्स बदल गई है, तो ये चेंजेस की वजह से ये इवोल्यूशंस बनते गए। अब इसको आप देख लीजिए, जो मैंने आपको इवोल्यूशन बताया, सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन की बात करी थी, जो स्टोन एज के बाद सबसे पहला आया था कि इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्शन करेगा, जो आपने लेबर को डिवाइड कर दिया था उसने क्या काम करा था, वो ये देखेगा कि ये प्रॉपरली अपने आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इंस्पेक्शन वाले मास इंस्पेक्शन में क्या होता था, सेग्रीगेशन, सॉर्टिंग एंड रिजेक्टिंग, ठीक है, सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर लिया काम को, सॉर्ट किया और फिर देखा और रिजेक्ट कर दिया, दैट इज ओनली इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आया क्वालिटी कंट्रोल, जो हम क्वालिटी कंट्रोल पीरियड की बात कर रहे थे, जब आविष्कार हुआ चार्ट्स का, उनकी हेल्प से हमने पहले क्या करा क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी मैनुअल्स बना लिए कि हमें ये चाहिए, हमने अपने गोल्स को सेट कर लिया, अगर हमारे वो गोल से मैच हो रही है चीजें तो हमने क्या कहा प्रोडक्ट क्या है एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं हो रही है हमारी चीजें सेटअप से चीजें मैच नहीं हो रही है तो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये तो रिएक्टिव अप्रोच हुई ना, कि हम पहले प्रोडक्ट बना रहे बाद में हम चेक कर रहे। फिर आया क्वालिटी एश्योरेंस, यहां पर क्या हुआ अप्रोच बदल गई और प्रोएक्टिव हो गई। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि आपने पहले से ही चीजों को कंसीडर करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो मैं बताता हूं आपने रिलेट कर दिया कस्टमर से, ये होती है प्रोएक्टिव अप्रोच कि भाई हम ये बात ही क्यों करें कि क्वालिटी हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब बन गया है, क्यों हम बैड प्रोडक्ट बनाए, क्यों ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये होती है प्रोएक्टिव अप्रोच, आपने उसको पहले से ध्यान रखना शुरू कर दिया। पहली वाली क्वालिटी कंट्रोल में क्या था कि आपने गोल सेट करे, प्रोडक्ट आने के बाद चेक करा, ठीक है जी नहीं गलत आ रहा है, ठीक है, तो समझदारी देखो इंसान की भी बढ़ती चली जाती है ना, वो यहां तक पहुंच गया। फिर आया टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ इनपुट्स वर कंसीडर,
लास्टली केम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो ये ऐसे ऐसे करके सेटअप्स हुए. नाउ देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी व्हिच यू विल रीड. सबसे पहली है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा आफ्टर दिस लेक्चर आल्सो यू कैन नोट, कि फिलिप क्रॉसबाई ने जो क्वालिटी गुरु थे उन्होंने बोला क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स. अगर जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है. फिलिप क्रॉसबाई ये कह गए बात को. उसके बाद जोसेफ जुरैन आए. जोसेफ जुरैन ने ये कहा ऐसा कोई भी प्रोडक्ट दैट इज फिट फॉर पर्पज और यूज, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया जो फिट है अपने पर्पज के अकॉर्डिंग, जो बना था या इस्तेमाल हो रहा है तो वो फिट है उसके लिए भी, ऐसा प्रोडक्ट क्या कह दिया उन्होंने, क्वालिटी प्रोडक्ट है. अलग अलग क्वालिटी ग्रुप्स थे, उनकी अलग अलग सोच थी और दोनों सबकी बात सही है. ऐसा कोई प्रोडक्ट दैट इज फिट फॉर पर्पज और यूज दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट. एडवर्ड डेमिंग ने कहा ऐसा कोई प्रोडक्ट दैट इज कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, जो आपने स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं अगर उनको वो मैच कर रहा है दैट इज कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, या ये कह दे कि वो क्वालिटी है. उसके बाद काइज़ेन बोले जो मैं आपसे बात करता हूं दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब ये देखो डिफरेंट हो सकता है, आपने जो बनाया अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है दैट इज अ क्वालिटी. फिर एरिस्टोटल ने दिया क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट इट इज अ हैबिट. क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट इट इज अ हैबिट. ये कोई एक्ट नहीं है कि इसको करना है, इसको आदत है. अगर आपको कम्पीट करना है मार्केट में तो ये आदत डाल लो कि हर बार जब प्रोडक्ट बने क्वालिटी प्रोडक्ट बने. Then a definition from Edmund Fitzgerald, total composite product and service characteristics of marketing, engineering, manufacturing and maintenance through which the product and service in use will meet the expectation by the customer. जिक्र इन्होंने भी customer की expectation कर दिया है, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा product जिसके पास total composite product and service characteristics किसकी हो, marketing, engineering, manufacturing and maintenance, जिससे कि क्या हो जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्या करे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करे. इन्होंने उस डेफिनेशन को थोड़ा एलाबोरेट कर दिया. आपको इंजीनियरिंग भी अप्लाई करनी है, मार्केटिंग स्किल्स भी अप्लाई करनी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, मेंटेनेंस भी करनी है. तो जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हैं इन सबको अप्लाई करने के बाद वो ऐसा हो कि किसको मीट करे, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर. तो बात वही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बात वही है. आप अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तभी कर पाओगे जब उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाओगे, या आप स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाओगे, या फिट होगा वो यूज करने के लिए. तो अल्टीमेटली जो जिस्ट निकल कर आ रहा है वो यही है, यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट और यू आर गिविंग द सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड दे मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर वो सेटिस्फाई है दैट मीन्स यू आर गिविंग क्वालिटी. सो दिस इज अनदर टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. We will discuss this in our lecture number 3. So thanks for this session. Thank you.